हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संतान सप्तमी में जो प्रसाद और भोग बनाया जाता है उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ कि आप अपना भोज किस प्रकार बनाएं। जो भी संतान सप्तमी का व्रत रहती हैं वो इसको ज़रूर देखें। और आज मैं आपको, हमारे इधर इनको गुलगुला या मीठा पुआ बोलते हैं, ये आटे का बनता है। तो ये मैंने आटा लिया है, ये 250 ग्राम करीब आटा होगा। और ये दूध लिया है, दूध भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। आप जितना आटा लें उतना ही क्वांटिटी में दूध लें। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये बादाम, किशमिश, मीठा सोडा लिया है, चीनी और नारियल कद्दूकस किया हुआ और काजू। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप इनको डाल भी सकते हैं और नहीं भी। और 3 इलायची ली हैं बड़ी वाली, ये देखिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके इस पर दूध रख देंगे। अब हम इसमें ये जो चीनी मैंने ली थी ये देखिए, इसको ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से चलाना है जब तक चीनी इसमें मेल्ट ना हो जाए तब तक। हमको इसको उबालना नहीं है ना कि पकाना है, बस चीनी मेल्ट होने तक हमको इसको गर्म करना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम मेल्ट होने तक इसको गर्म करते हैं। ये देखिए दूध मेरा गर्म होने लगा है, चीनी भी मेरी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें जो इलायची मैंने ली थी 3, उसको मैंने कट कर लिया है, मतलब कूट लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी और गैस को बंद कर दूँगी। अब हमको इसे रूम टेम्परेचर पे दूध को ठंडा करना है। तो ये देखिए मैंने दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब हम इसका पेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दूध देखिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं। तो आपको दूध को आटे में डालते जाना है और मिलाते जाना है। आटे को हमको ज़्यादा थिक नहीं रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। तरीके से हम अपना आटे का ये पेस्ट बना लेते हैं। आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से पेस्ट बना लेती हूँ। इसे चलाते हुए आपको इसका पेस्ट बना लेना है। इसमें एक भी गांठ ना बचे, बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इस तरीके से आप चलाते हुए, थोड़ी देर तक इसको चलाते हुए मैं इसका पेस्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये दूध मेरा थोड़ा सा बच गया है तो कोई बात नहीं, आप इसको चाय में यूज़ कर सकते हैं और किसी चीज़ में यूज़ कर लें। बट इतना ध्यान रखें कि 250 ग्राम आटा लें तो 250 ग्राम ही दूध लें। देखिए ये देखिए हमको इसको इतना गाढ़ा रखना है। ये देखिए ये देखिए इतना गाढ़ा हो, ज़्यादा पतला ना करें आप, निकालने में फिर दिक्कत होगी। मेरा पेस्ट अच्छे से बन गया है। अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए थे उनको ये देखिए कट कर लिया है, ये डाल दूँगी। जो नारियल बूरा मैंने लिया था उसको ऐड कर दूँगी। और जो किशमिश मैंने ली थी उसको डाल दूँगी। जो मीठा सोडा मैंने लिया था उसको मैं लास्ट में डालूंगी, देखिएगा। अब इसको मिक्स कर देने के बाद में हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मेरे अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
10 से 15 मिनट के लिए हमको इस पेस्ट को ढक देना है। अब 10-15 मिनट बाद हम इसके पुए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है, अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। देखिए पेस्ट को आपको इतना गाढ़ा ही रखना है ताकि इसकी पुए अच्छे से बन पाए। अब हम इसमें ये जो मीठा सोडा लिया था इसको ऐड कर देंगे। मीठा सोडा चलाने से पहले हम रिफाइंड रख देते हैं गैस के ऊपर। अब मैं मीठा सोडा मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। रिफाइंड गर्म होने पर अब हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए रिफाइंड मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये देखिए ऐसी आप एक स्पून ले लीजिएगा, एक चम्मच ले लीजिएगा। अब हम इससे डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमको इस तरीके से भरना है। इस तरीके से भर करके हम डाल देंगे। इसी तरीके से हम जितने हमारी कढ़ाई में तेल हो उस हिसाब से डाल दें हम। ये देखिए मैंने 5 से 6 डाल दिए हैं। आंच हमको कम ही रखनी है, कम आंच में ही हम इनको बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा आंच में ये लाल हो जाते हैं। देखिए मेरे जो पुए हैं वो कितने अच्छे से फूलने लगे हैं। नॉर्मली हमारे घर में इनको गुलगुला बोला जाता है, आप किधर क्या बोलते हैं बताइएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूले हुए से बन रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है एकदम। देखिए इनको हमें गोल्डन होने तक धीमी आंच में ही पकाना है ताकि इनका जो अंदर का पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए। देखिए मेरे गोल्डन होने लगे हैं। देखिए गोल्डन हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं हम। देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए एकदम बड़े के जैसे लग रहे हैं। देखिए ठंडे होने पे मैं आपको बताती हूँ। आप इसको एक बार तो हमने चम्मच से निकाल लिया है, आप चाहें तो इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं हाथ से निकाल कर भी आपको बताती हूँ। तरीके से आसानी से छोटे छोटे भी निकल जाते हैं अगर आपको छोटे साइज के चाहिए हो तो। ये देखिए मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छे बनेंगे। आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसा शेप आपको साइज आपको चाहिए। मैं निकाल करके आपको बताती हूँ। ये देखिए ये वाले भी मेरे गोल्डन हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ।
एकदम स्पंजी बने हैं, बहुत ही अच्छे। तो इस तरीके से मैं अपने ये थोड़ा सा और बचा है इसको निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए दोनों तरीके के मैंने निकाल लिए हैं, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। अब मैं इनको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये देखिए एकदम स्पंजी बने हैं। ये देखिए आप इस तरीके से बनाएंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, जब आप इनको प्रसाद में देंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए छोटे वाले भी देखिए आप इस तरीके से, ये देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट करें और संतान सप्तमी पे इसको ज़रूर बनाएं। और थैंक यू।